हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि क्या आपकी शादी आपके पार्टनर के साथ होगी, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जो पार्टनर भी आपके दिल दिमाग में है, क्या आपकी शादी उनके साथ होगी। ठीक है, हमारे पास यहाँ दो कार्ड्स हैं। पहला कार्ड है ये मैरिज कार्ड और दूसरा कार्ड है हमारे पास कोर्टशिप कार्ड। तो आप इन दोनों कार्ड्स में से ही कोई सा भी एक कार्ड चूज़ कर सकते हैं, और अगर एक कार्ड रेजोनेट ना हो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो आप दूसरा भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग विद कार्ड नंबर वन। हाय गाइस, जिन्होंने भी कार्ड नंबर वन चूज़ करा है, चलिए देखते हैं कि क्या आपकी शादी आपके पार्टनर के साथ होगी विद दिस ब्यूटिफुल मैरिज कार्ड। कार्ड नंबर थ्री मैरिज कार्ड, तो मे बी आपके लिए मार्च का मंथ इम्पॉर्टेंट रह सकता है, आप नंबर थ्री जो है वो इम्पॉर्टेंट हो। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या आपकी शादी आपके पार्टनर के साथ होगी। सबसे पहले देखते हैं कि अभी आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन क्या चल रही है, अभी आपके रिलेशनशिप में करंटली क्या चल रहा है। करंट सिचुएशन ऑफ योर रिलेशनशिप, कार्ड नंबर वन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट थ्री ऑफ कप्स, के वी हैव द लवर्स। हो सकता है आप लोग अपने डील कर रहे हो सोलमेट के साथ। ओके, वी गॉट टू ऑफ कप्स ऑल्सो गाइज, वाओ। आई थिंक या तो ये पार्टनर आपका सोलमेट, हायर लेवल ऑफ सोलमेट। द टावर, ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे लवर्स कार्ड भी आया और टू ऑफ कप्स कार्ड भी आया। ठीक है, डेफिनेटली ये बहुत ही डीप रोमांटिक स्पिरिचुअल मतलब ऑसम वाला जो कनेक्शन होता है ना, वो है कनेक्शन। ठीक है, मतलब बहुत ही प्यार है आप दोनों के बीच में, भले ही अभी आप लोग नो कांटेक्ट में भी हो शायद कुछ लोग, लेकिन या नहीं भी हो, लेकिन फिर भी आप दोनों का जो बॉन्ड है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो कनेक्शन है ना, वो बहुत ही सुपर ऑसम है। ठीक है, आप लोग वो लव फील कर सकते हो। लड़ाइयाँ हो रही हैं भले ही आपके बीच में, अगर कुछ बातों को लेके, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रखी हैं, कुछ ना कुछ अगर प्रॉब्लम चल भी रही है, लेकिन उस वजह से आपका प्यार नहीं कम हुआ है एक दूसरे के लिए। ठीक है, आपका प्यार अभी भी इतना स्ट्रांग है, अभी भी आप दोनों ही लॉयल हो एक दूसरे के लिए, और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ ये हैप्पी एंडिंग चाहते हो। ठीक है, और आप दोनों ही किसी और को अपनी लाइफ में लाना नहीं चाहते हो। ठीक है, आप लवर्स, और ये देखिए टू ऑफ कप्स, बहुत ही मतलब ब्यूटिफुल कपल है आप दोनों का। ठीक है, एंड आई कैन ऑल्सो फील कि आपके बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है काफ़ी लोगों के बीच में, शायद उस वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है आपके बीच में। ठीक है, कि लॉन्ग डिस्टेंस है, डिस्टेंस इश्यूज है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। एंड चैरियट कार्ड अगेन इंडिकेट्स कि आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, और अभी आपके बीच में एक टावर मोमेंट चल रहा है, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में रिसेंटली, या हो रखा है या होने वाला है, कि ना वो मतलब उसने कभी हर्ट करा है आपको, मतलब जो आपने नहीं चाहा था ना, अनचाहे इवेंट्स हमारी लाइफ में जो हो जाते हैं हमारे रिलेशनशिप में, उस तरह का कुछ मोमेंट आया है। ठीक है, या तो इस पार्टनर ने आपसे कट ऑफ कर दिया, या आपसे बात करनी बंद कर दी, या आपको छोड़ के चले गए, या फिर यू नो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है इस रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप जो है वो स्टक हुआ हुआ है एक जगह। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही डिटरमाइंड हो कि हमें इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। चैलेंजेस कुछ भी आए, चैलेंजेस बहुत सारे होंगे, लेकिन हमें फिर भी रुकना नहीं है और आगे बढ़ते जाना है। आप दोनों के ही मन में ऐसा है एक दूसरे के लिए। ठीक है, और आप दोनों ही ये चाह रहे हो, थ्री ऑफ कप्स वाली हैप्पीनेस, ये पार्टी, ये सेलिब्रेशन आए आपकी लाइफ में, आपका भी जो स्पेशल डे है ना मैरिज का, वो आए आपकी लाइफ में। तो ठीक है, आप भी काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज़ को काफ़ी टाइम से, तो बहुत ही अच्छा रिलेशन चल रहा है आपका गाइज। देखते हैं कि इस पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं एक बार आपके लिए, इस पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, तो ये अभी टावर मोमेंट चल रहा है और ये कार्ड आया है डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन का, तो
तो डेफिनेटली या तो ये पार्टनर अभी आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, भले आपसे लव इतना करते हैं ये पार्टनर, फिर भी वो क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, या फिर इस पार्टनर की एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा लो हो रखी है और आप अपनी हायर लेवल पे हो, ठीक है, तो दैट्स वाई अभी आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो पा रहे हो इतना लव होने के बावजूद भी। देन वी हैव इनर पीस। तो ये पार्टनर इस रिलेशनशिप में इनर पीस चाहते हैं आपसे। देन वी हैव कनेक्शन। सी कितने प्यारे कार्ड्स आएंगे इस आपके, लवर्स, टू ऑफ कप्स, कनेक्शन, बिल्कुल ये पार्टनर एक ये कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, ये रोमांटिक ब्यूटीफुल कनेक्शन आपको चाहते हैं, ये ले जाएं डेट पे, आपको घुमाने ले जाएं, आपके साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है। पार्टनर की प्लानिंग्स बहुत अच्छी हैं आपको लेके फ्यूचर के लिए, ठीक है, कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन शायद अभी आपके कुछ प्रॉब्लम चल रही है इस रिश्ते में, ठीक है, एक एक पार्टनर की एनर्जी ना वो बहुत ज़्यादा लो हो रखी है, तो आप हो या फिर ये पर्सन है, ठीक है, उस वजह से ना इस कनेक्शन में शायद एक इनर पीस नहीं है। तो ये पार्टनर सबसे पहले तो वो इनर पीस लाना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, कि आप दोनों के बीच में पहले वो जो भी आर्ग्यूमेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले इस रिलेशनशिप में। आप देखते हैं कि आप दोनों की शादी होगी या नहीं होगी, आगे फ्यूचर देखते हैं आपका। ग्रुप नंबर वन, क्या आपकी शादी आपके पार्टनर के साथ होगी या नहीं। एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, कप्स के कार्ड बहुत आ रहे हैं गाइस यहाँ पे। हैंगमैन, एट ऑफ वॉन्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके गाइज, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है कप्स का अगेन कार्ड, नाइट ऑफ कप्स। सो गाइज, मुझे ये पार्टनर दिख रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेते हुए, ठीक है, लेकिन आई विल नॉट डिनाई कि इस रिलेशनशिप में चैलेंजेस नहीं आएंगे। रिलेशनशिप में चैलेंजेस आएंगे आपके आगे जाके, ठीक है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड भी आया है और फाइव ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। डेफिनेटली मतलब बिकॉज जो कार्ड्स आपके लिए आए ना, लवर्स और ये टू ऑफ कप्स एंड कनेक्शन, आई फील कि आप दोनों का सोलमेट या फिर कुछ लोगों का शायद ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, सम ऑफ यू, तो डेफिनेटली फिर तो चैलेंजेस आने ऑब्वियस हैं कि आएंगे ही। तो मे बी एक ऐसा फेज आए आपका रिलेशनशिप में आगे चल के, या अभी भी शायद चल रहा है आपका, कि उसमें जो ये रिश्ता है ना एकदम से मतलब पॉज हो जाए, स्टक हो जाए और आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, ठीक है, और शायद थोड़ा सा इमोशनली आपको ड्रेन करने वाला एक फेज़ आ सकता है आगे यूनियन से पहले आपकी लाइफ में, ठीक है, जहाँ पे आप शायद मतलब होप खो दो कि हमारा यूनियन होगा भी या नहीं, ठीक है, इस तरह की आपका शायद थिंकिंग हो सकती है उस वक्त, और बहुत ही होपलेस फील कर सकते हो कि बिल्कुल स्टक हो गए हैं। लेकिन जब वो फेस आएगा ना आपकी लाइफ में, तभी आपको सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी रखनी है, ठीक है, ये जो बैट है ये उल्टा लटका हुआ है, स्टक है, लेकिन ये देख रहे हो येलो लाइट यहाँ पे, तो पॉजिटिविटी है और होप है कि सब कुछ सही होगा। तो वही जो फेस होगा ना आपकी लाइफ का, वो आपको आपके प्यार को टेस्ट करने वाला फेस होगा, ठीक है, अगर आपने उस चीज़ को निकाल लिया। ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आपको और भी रिश्ते दिखाएं, एट ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, और भी रिश्ते दिखाएं, या मल्टीपल जगह आपके पार्टनर जो हैं वो स्टक हो जाएं, तो कुछ ना कुछ ऐसे कन्फ्यूजन वाले या कन्फ्यूजन हो जाए जनरली इस पार्टनर को, ऐसा हो सकता है या आपको हो जाए, ठीक है, तो कुछ ना कुछ एक कन्फ्यूजन फेज़ नेगेटिव जो होता है ना थोड़ा सा, वो कुछ वक्त के लिए रह सकता है, लेकिन वो हट जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है, बिकॉज हमारे पास फिर तीन कार्ड्स बहुत अच्छे भी तो आए ना,
किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड है गाइस एक्शन का, ये कार्ड है कम्युनिकेशन का। तो अगर ये पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन में नहीं है, सबसे पहले आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, आपकी लाइफ में आएंगे फिर से। और देख रहे हैं मैनिफेस्टेशन का सिंबल, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, आप कर रहे हो, बहुत इंट्यूटिव हो। और ये पार्टनर एक्शन लेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तब भी आएंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है। और देन वी हैव एस ऑफ सोर्स, तो इस रिलेशनशिप में व्हेन यू विल फील ना कि सब कुछ जैसे ख़त्म हो चुका है, उसी वक्त मतलब नई शुरुआत होगी इस रिलेशनशिप, बिकॉज वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। तो एस ऑफ सोर्ड्स इज क्लैरिटी, न्यू बिगनिंग्स आपकी, आप दोनों की लाइफ में होगी, ठीक है ना। एंड देन वी हैव किंग ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है ना, ये आपसे लव करते हैं, ये आपसे बहुत लव करते हैं, ठीक है, इनके मन में बहुत प्यार है आपके लिए, और ये खुद चाहते हैं कि आपका यूनियन हो, एंड डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। वी आर नाइट ऑफ कप्स ऑल्सो, ठीक है, चैलेंजेस कुछ भी हो ये आपके पास ज़रूर आएंगे, और आपके लिए आप पे गिव अप नहीं करेंगे। लेकिन ये जो है ना टेस्ट, ये आपके लव का और आपके पेशेंस का होगा आगे चल के, कि आप कितने दोनों के उस जो नेगेटिव फेज जो आएगा कुछ टाइम का, आप दोनों एक दूसरे के लिए कितना स्टैंड ले सकते हो उस वक्त, और कितना एक दूसरे के लॉयल और कमिटेड रह सकते हो, ठीक है। क्योंकि इस रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट होने के बहुत हाई चांस है, कि अगर वो जो फेज़ है ना आपने निकाल लिया, तो डेफिनेटली फिर आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। ओके, और देख लेते हैं इस कनेक्शन का फ्यूचर। ट्रस्ट, सी आपको ट्रस्ट रखना है इस पार्टनर पे भी और डिवाइन पे भी, क्योंकि ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का। मनी, तो मे बी अभी शायद कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हों इस पार्टनर की लाइफ में, दैट्स वाई उसको सॉर्ट आउट कर रहे हो। देन वी हैव प्रॉस्पेरिटी, तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आएगी अगर आप ट्रस्ट रखोगे तो। वी हैव चैलेंजेस, देखा मैंने कहा था ना कि इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में आगे चल के, और वो चैलेंजेस से ही यू विल नो कि आपका रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है, ठीक है। वो चैलेंजेस थोड़े टाइम के लिए रहेंगे, और सबसे अच्छी बात देखिए ये है, यहाँ पे है 13 या 31, तो ये हो गया टोटल नंबर 4, एंड यहाँ पे है हमारे पास 29 और 10, तो यहाँ पे 1 और 1, तो 4 1 देख रहे हो आप। तो बिल्कुल अगर आप दिल से चाहते हो ना, आप दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हो, दिल से प्रेयर कर रहे हो कि आपकी लाइफ में ये शादी हो इस पार्टनर से, डेफिनेटली बहुत हाई चांस है कि होगी, अगर आप इस चैलेंजिंग वाले फेज़ को आप क्रॉस कर जाओगे तो, ठीक है, और आप इस पॉइंट पर थोड़ा सा पेशेंस रख लोगे तो, ठीक है। चलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट मंथ्स भी देख लेते हैं क्या रहेंगे। जुलाई, नवंबर, अगस्त, सितंबर एंड वी हैव अक्टूबर, तो ये जो मंथ है ना, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं आगे चल के। चलिए यहाँ से देखते हैं कि डिवाइन का क्या मैसेज है आपके कनेक्शन के लिए। ग्रुप नंबर 1, ओके, वी हैव लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड, ठीक है। तो आपका पैशन क्या है वो आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। अगर आप बहुत पैशनेट हो इस रिलेशनशिप को लेके, हर तरह से पैशनेटली भी, सेंशुअली भी, सेक्सुअली भी, फिजिकली भी, रोमांटिकली भी, हर तरह से ये कनेक्शन आपको पूरा करता है, तो आपको इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मून भी बना हुआ है, तो बिल्कुल आप इसको मैनिफेस्ट करो। अगर यू फील कि ये कनेक्शन, यू नो, दिस कनेक्शन कम्प्लीट्स यू, तो डेफिनेटली आप इस कनेक्शन के पीछे जाओ, इसको मैनिफेस्ट करो, और जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना उसको आप ब्रेवली फेस करो अपने पार्टनर के साथ, फिर ये कनेक्शन बिल्कुल मैरिज में ज़रूर कन्वर्ट होगा बहुत ही जल्द, ठीक है। सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू। हेलो गाइज, हाय, जिन्होंने भी सेकंड नंबर का कार्ड चूज़ करा है, कोर्टशिप, चलिए देखते हैं कि क्या आपकी शादी आपके पार्टनर के साथ होगी, ठीक है। एंड ये है कार्ड नंबर 4, तो डेफिनेटली आपके लिए नेक्स्ट 4 मंथ्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, या फिर 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या अप्रैल का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो ये रिलेशनशिप है ना, इसमें अभी क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन क्या है आपके रिलेशनशिप की इस वक्त। करंट सिचुएशन ऑफ योर रिलेशनशिप,
पाइल नंबर टू, कार्ड नंबर टू, करंट सिचुएशन ऑफ योर रिलेशनशिप. डेथ, द फूल, जस्टिस, नाइन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास हैंगमैन का कार्ड आया है. ओके गाइस, तो सिचुएशन तो मतलब ज़्यादा खास नहीं चल रही है आपके रिलेशनशिप की इस वक्त, ठीक है, क्योंकि वी हैव थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव नाइन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है. बहुत परेशान हो आप भी और आपके पर्सन भी, ठीक है. या तो आप बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में हो, बिल्कुल मतलब बातचीत हो ही नहीं रही है और ब्लॉक कर रखा है, या बात नहीं कर रहे हैं जनरली ये पार्टनर आपसे, ठीक है, और आप मतलब खुश नहीं हो, आप टेंशन ले रहे हो बहुत ज़्यादा कि क्या हम मतलब हमारा होगा यूनियन, हम एक हो पाएंगे, ठीक है. या तो इस पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है, आपको हर्ट करा है कुछ बोल के या कुछ करके, ठीक है, एंड आप परेशान हो, आपको रात को नींद नहीं आ रही है और आप इतने उदास हो चुके हो कि आपको लाइफ में ये जो पॉजिटिविटी है ना वो भी दिखाई नहीं दे रही, आपको होप नहीं दिख रहा है इस रिलेशनशिप में. ऐसा भी हो रहा है कुछ लोगों के लिए और रिलेशनशिप स्टक है, आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब क्लैरिटी नहीं मिल रही है. मतलब अगर सब कुछ सही भी चल रहा है ना, कॉन्टैक्ट में भी हो, तब भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको, अभी स्टक हुआ हुआ है रिलेशनशिप. लेकिन आपने इस रिलेशनशिप में बहुत मेहनत करी है, बहुत अपना टाइम, एफर्ट, इमोशंस बहुत इन्वेस्ट करें, आपने भी और आपके पर्सन ने भी, ठीक है, दोनों ने, तो आप दोनों ने ही सीड्स लगा दिए और आप उसके फ्रूट बनने का, प्लांट बनने का वेट कर रहे हो, ठीक है ना. तो आप वेट कर रहे हो, यहाँ पे पेशेंस का बहुत टेस्ट है, ऐसा फील हो रहा है जैसे कि डिवाइन टाइमिंग का बहुत रोल है और पेशेंस का बहुत टेस्ट हो रहा है आपके इस रिलेशनशिप में. आपने कब से पेशेंस रख रखा है इस रिलेशनशिप में और आप पेशेंटली वेट कर रहे हो उस करेक्ट टाइमिंग का कि हाँ सब कुछ सही हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है. और आप जस्टिस का वेट कर रहे हो क्योंकि आपने जितना एफर्ट डाला है ना इस रिश्ते में, आपको उस चीज़ का जस्टिस चाहिए और जस्टिस चाहिए इस पार्टनर की फॉर्म में, ठीक है, कि हाँ मुझे पार्टनर चाहिए मेरी लाइफ में क्योंकि मैंने बहुत अपना टाइम डाला है इस पार्टनर के ऊपर. सो आई वॉन्ट जस्टिस, जो भी मेरे साथ गलत हुआ है, जो भी मुझे हर्ट हुआ है इस रिश्ते में, मुझे उसके लिए जस्टिस चाहिए, ठीक है. और मैं देख रही हूँ इस पार्टनर को आपकी तरफ आते हुए, द फूल, ठीक है. आप दोनों ही लीप ऑफ फेथ लोगे, मतलब ये हो गया कि पता नहीं है आगे क्या होने वाला है, बट आप चल रहे हो, बढ़ रहे हो आगे, आप कि नहीं बढ़ते रहना है, लेट्स सी लाइफ में क्या लिखा है, लेट्स सी डेस्टिनी में क्या है, बढ़ते रहना है, गिव अप नहीं करना है, ठीक है. दोनों लीप ऑफ फेथ ले रहे हो एंड मैं देख रही हूँ कि आपकी सिचुएशन जो चल रही है ना इस वक्त, जो भी इतनी ख़राब चल रही है, उस चीज़ में एक चेंज भी आ रहा है. डेथ कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन, या तो वो आप खुद लेके आ रहे हो या वो अपने आप आएगा फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है. तो उस चीज़ में एक मेजर शिफ्ट, मेजर चेंज आ रहा है और आपके लिए चार कार्ड्स हैं मेजर काना के, तो ज़रूर कुछ ना कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से इस वक्त आप लोग गुजर रहे हो, या फिर जो टाइम है ना इस रिश्ते का, ये आपको कुछ सिखा रहा है आप दोनों के लिए. चलिए देखते हैं कि इस पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर फॉर यू, ग्रुप नंबर टू. ओके, डेटिंग, ये पार्टनर तो आपको डेट करना चाहते हैं या डेट कर रहे हैं या आपसे बहुत लव करते हैं. क्रिएटिविटी, डिवाइन मैस्कुलिन, इस पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स तो बहुत अच्छी है गाइस आपको लेके, बहुत मतलब ट्रू लव है. द गार्डन, सबसे पहले तो ना ये पार्टनर आपको डेट करना चाहते हैं फिर से, अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में नहीं हो तो, ठीक है, और अगर हो तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर रहते हैं तो आपके पास आना चाहते हैं. एंड ये पार्टनर ना बहुत मतलब प्रैक्टिकल पर्सनालिटी है, ठीक है, इमोशनल नहीं होंगे लेकिन प्रैक्टिकल बहुत हैं. ये ना आपके साथ अपना पूरा फ्यूचर देखते हैं, क्रिएटिविटी, पूरा एक फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, कुछ ना कुछ इनोवेटिव करें आपके साथ, एक पूरी फ्यूचर प्लानिंग जिसको हम कहते हैं ना, वो ये पार्टनर करते हैं आपके लिए और ये पार्टनर देखते हैं आपको अपने फ्यूचर में,
एंड देन वी हैव दिस डिवाइन मैस्कुलिन एंड द गार्डन. तो डेफिनेटली ये पार्टनर आपके डिवाइन मैस्कुलिन हैं और आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो, ठीक है. और आप दोनों ही बहुत हैप्पी एक दूसरे के साथ, दोनों ही मतलब जानते होगी आपकी जो ट्रू हैप्पीनेस है ना वो एक दूसरे के साथ ही होगी. और ये पार्टनर ना मतलब काफ़ी चेंज भी कर रहे हैं, मतलब इन्होंने आपको अगर हर्ट कराया ना इन दी पास्ट तो ये बहुत चेंज कर रहे हैं अपने आप को. इनके एनर्जी में बहुत अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट आया है आपको लेके. तो ये पार्टनर सीरियस हैं आपको लेके, ठीक है. अच्छी फीलिंग रखते हैं, पॉजिटिव फीलिंग रखते हैं ये पार्टनर आपको लेके, ठीक है. तो आप अगर आपको ऐसा फील होता है कि ये आपसे लव नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है. चलिए अब देखते हैं कि आप दोनों की शादी होगी या नहीं होगी फ्यूचर में. ओके, ग्रुप नंबर टू, क्या आपकी शादी होगी इस पार्टनर से? क्या हमारे पास यहाँ पे ये कार्ड आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स. वाओ, नाइन ऑफ कप्स. और देखते हैं, टेम्परेंस. सेवन ऑफ सोड्स. एंड देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स. यहाँ पे हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया है गाइस. डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का ही रोल है. ये कनेक्शन ऐसा है कि ये आपके हाथ में है ही नहीं. जब डिवाइन चाहेंगे तभी आपका यूनियन होगा, ऐसा है. बिकॉज दिस कनेक्शन इज डेस्टाइंड. ये सब डेस्टिनी के ऊपर है, ठीक है. कार्ड नंबर 10, तो यहाँ पे आपकी एक साइकिल चल रही है अभी कि ख़त्म होगी, उसके बाद ही आपके लिए जजमेंट होगा, ठीक है. यहाँ पे आप छोड़ दो सबको डिवाइन टाइमिंग के ऊपर. एंड देन आई सी यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड आया है. डेफिनेटली यहाँ पे बहुत हीलिंग चल रही है, बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है एज ऑफ ये, ठीक है. हीलिंग चल रही है यहाँ पे. एंड आप तो हीलिंग कर ही रहे हो, ये पार्टनर भी हीलिंग कर रहे हैं. दोनों अपनी अपनी कमियाँ सुधार के उसमें हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है. इन फ्यूचर मैं देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है ना, कुछ वक्त के लिए शायद, ठीक है, कुछ वक्त के लिए ये पार्टनर कंफ्यूज हो सकते हैं. टू ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है. तो ये पार्टनर शायद कुछ वक्त के लिए डिसेप्टिव हो सकते हैं या कंफ्यूज हो सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में इन एंड आउट वाली सिचुएशन जो है ना वो कर सकते हैं फॉर अ वाइल, जो कि कर ही रहे हैं ये पार्टनर, और कर सकते हैं थोड़ा टाइम और, ठीक है. जब तक ये पार्टनर खुद डिसाइड ना कर लें, जब तक ये पार्टनर ये ना बन जाए डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है. और जब तक कि आपका जो राइट टाइम है ना आपके यूनियन का वो ना आ जाए, ठीक है. एंड आई ऑल्सो फील कि ये पार्टनर डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेंगे, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड देन वी हैव नाइन ऑफ कप्स. बिल्कुल हैप्पी एंडिंग का कार्ड है गाइस, ये देख रहे हो, ये फैमिली ब्यूटिफुल एंडिंग. बहुत हैप्पी होने वाले हो आप फ्यूचर में, क्योंकि इस रिलेशनशिप के मैरिज में कन्वर्ट होने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है. और बिल्कुल ये पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे, लेकिन आपको भी स्ट्रांग बन के रहना है इस फेज तक, ठीक है. नाइट ऑफ कप्स, बिल्कुल ये आ रहे हैं. चैलेंजेस कितने भी हो, ये पार्टनर आएंगे और एक्शन लेंगे, पक्का लेंगे आपके लिए, ठीक है. आपका जो एंडिंग है ना वो ऐसी होगी नाइन ऑफ कप्स जैसी. आप दोनों बहुत हैप्पी होने वाले हो, यूनियन दिख रहा है मुझे इस रिलेशनशिप में. लेकिन हाँ, आपको यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्टनर शायद इनिशियली थोड़े से रिसेप्टिव हो सकते हैं. और यहाँ जो पाइल है ना ये वाली, इसमें डिवाइन टाइमिंग का रोल है, करेक्ट टाइमिंग का रोल, डेस्टिनी का रोल है यहाँ पे, ठीक है. जब राइट टाइम आएगा तभी होगा आपका यूनियन, ठीक है. आप सिर्फ उस राइट टाइम को मैनिफेस्ट कर सकते हो कि हाँ वो राइट टाइम जल्द से जल्द आ जाए आपकी लाइफ में. बट आई फील कि शायद 9 मंथ्स में या 9 वीक्स में आपका वो राइट टाइम आ सकता है, ठीक है. और आप दोनों का जो मैरिज है ना वो फिक्स हो सकती है. लेकिन उससे पहले इनिशियली कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रह सकते हैं, या तो आपको भी या फिर इस पार्टनर को भी. तो आपको बिल्कुल हेड स्ट्रांग होके रहना है इस रिलेशनशिप में, ठीक है. चलिए और देख लेते हैं यहाँ पे क्या है आप दोनों का फ्यूचर. ओके, यहाँ पे आप दोनों का फ्यूचर. ब्यूटिफुल,
फ्रेंडशिप लव वाओ वी गॉट प्रपोजल। सी मैंने कहा था ना कि ये पार्टनर डेफिनेटली आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है। लेकिन इनिशियली कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रहता था, लेकिन जैसे ही डिवाइन टाइमिंग आएगा, मतलब जो फेवर में होगा टाइम आपके, जब ऊपर वाला चाहेगा तब ही होगा ये चीज़ प्रपोजल, ठीक है। और ये लव डेफिनेटली आप दोनों का लव जो है ना वो बना रहेगा फ्यूचर में, आगे तक फॉरएवर वाला लव जो है ना आपका बना रहेगा, और आपका यूनियन मुझे दिख रहा है, ठीक है। और बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ होने वाली है आपकी, और इवन लव से ज़्यादा आपकी फ्रेंडशिप, लव और फ्रेंडशिप दोनों आएगा इस। तो आप ना एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड भी बन के रहोगे और लव भी रहेगा, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्यारा सा कनेक्शन रहेगा आपका ये। और प्रपोजल कार्ड भी, और डेफिनेटली प्रपोजल आ रहा है इस पार्टनर की साइड से। आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है, ठीक है। पेशेंस का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे आपके लिए कौन से मंथ्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। के वी हैव सितंबर, जनवरी, वी हैव मार्च, मई एंड वी हैव जून, ठीक है। ये मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं कि डिवाइन का क्या मैसेज है आपके कनेक्शन के लिए। ग्रुप नंबर टू, ग्रुप नंबर टू, मैसेज ऑफ डिवाइन फॉर योर कनेक्शन। लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। ओके, तो अगर अभी आपके रिलेशनशिप में पीस नहीं है, लड़ाइयाँ हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे हो, ठीक है, कोई मतलब झुकने को रेडी नहीं है, सिचुएशन ऐसी चल रही है, ठीक है, तो आप लव एंड पीस, ठीक है, पीस लेके आओ, लव लेके आओ। कौन सही है कौन गलत है वो छोड़ दो, जो पास में हुआ वो छोड़ दो। चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। सो ये पाइल लेना बहुत ही हीलिंग, स्पिरिचुअल, डिवाइन टाइमिंग वैसी पाइल है, ठीक है। तो जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, जब आपने हीलिंग कर लोगे, जब आपने जो नेगेटिव पॉइंट्स है उस पर वर्क कर लोगे, तो डेफिनेटली वो डिवाइन टाइमिंग ज़्यादा दूर नहीं है गाइज, बहुत ही बस आने ही वाला है, ठीक है। तो गाइज ये है आपकी रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।